हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेस डिज़ाइन। इसे दुपट्टा पे, स्लीव्स पे बना सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन थ्रेड और 90.85 mm की नीडल। तो अभी इसे हम बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे सबसे पहले हमें नॉट बनाना है। अब यहाँ हम अटैच करेंगे। और दो चेन बनाएंगे। थोड़े गैप पे सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे पांच बार चेन बनाएंगे। पांच बार चेन बनाने के बाद जहाँ पहले सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी जगह पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो बार चेन सिंगल क्रोशिया, अब इसको टर्न कर लेना है। अब यहाँ पे 11 चेन बनाएंगे। ग्यारह बार चेन बनाने के बाद ये जो पहला सिंगल क्रोशिया था यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब ये जो 11 चेन का रिंग है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 11 बार। इस तरह से 11 बार बना लेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, और दो चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे पांच बार चेन बनाना है। पांच, और उसी जगह पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद दो चेन सिंगल क्रोशिया, अब इसको टर्न करके 11 बार चेन बनाना है। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया,
अब यहाँ पे 11 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे अब सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया और दो चेन सिंगल क्रोशिया, 5 बार चेन, 5 बार सिंगल क्रोशिया और 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 11 चेन बनाना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 11 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से, इस तरह से 11 बार चेन बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, स्लीव्स पे बहुत प्यारी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको डिज़ाइन कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।